और भारत टाइम्स ऑनलाइन की खबर का बड़ा असर। इकाना स्टेडियम के पिच क्यूरेटर को यूपीसीए ने किया बर्खास्त। इकाना में हुए भारत न्यूजीलैंड के मैच के बाद बड़ी कार्रवाई। पिच और ग्राउंड की गड़बड़ी के बाद हुआ एक्शन। एनबीटी ऑनलाइन की खबर के बाद हरकत में आया उत्तर प्रदेश का क्रिकेट एसोसिएशन। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के इकाना स्टेडियम में इंडिया और न्यूजीलैंड के मैच के दौरान हुई यूपीसीए की फजीहत इस बार सरकार से लेकर बीसीसीआई तक के लिए चिंता का सबब बन गई है। लखनऊ के जिस इकाना क्रिकेट स्टेडियम को इंटरनेशनल मानकों का बताया गया था, उसके पिच पर रन बनाने में क्रिकेटर्स को जो मुश्किल का सामना करना पड़ा, अब उसके बाद आईपीएल को लेकर तमाम चिंताएं हैं। तमाम लोगों ने यह कहा है कि जिस आईपीएल को रोमांच का खेल कहा जाता था, वो इकाना में कराना असंभव है। दरअसल इकाना स्टेडियम में रविवार को हुए मैच के बाद नवभारत टाइम्स ऑनलाइन ने इस खबर को दिखाया था कि पिच की हालत कैसी थी। ये बात भी सामने आई थी, ग्राउंड की जो पिच सबसे खराब थी उस पर ही क्रिकेट का मैच करा दिया गया। हालत ये हुई कि दोनों टीमों को 100 रन बनाने के लिए 20 ओवर तक इंतजार करना पड़ा। जिस टी20 मैच को फटाफट क्रिकेट का संस्करण कहा जाता है, उस क्रिकेट मैच में 100 रन बनाने के लिए अगर 120 गेंदों का इस्तेमाल किया गया हो तो ग्राउंड को इसके लिए बड़ा जिम्मेदार माना जा सकता है। तमाम दर्शकों ने यह कहा कि इकाना स्टेडियम तो ऐसा है जिसने सूर्य कुमार यादव जैसे क्रिकेटर को टेस्ट मैच का क्रिकेटर बना दिया, अब ऐसे स्टेडियम में आईपीएल कैसे होगा। एनबीटी ऑनलाइन ने इन खबरों को प्रमुखता से दिखाया तो यूपीसीए में हड़कंप मच गया। हालत ये हुई कि खबर दिखाने के कुछ घंटे के भीतर इकाना स्टेडियम के पिच क्यूरेटर को बर्खास्त कर दिया गया। ग्वालियर से आए संजीव अग्रवाल को इकाना स्टेडियम का नया पिच क्यूरेटर बनाया गया है। माना जा रहा है कि ग्राउंड में बड़े पैमाने पर खुदाई कराकर इसे वापस बनाया जाएगा। आउटफील्ड पर लगी घास को भी ठीक किया जाएगा। इसके अलावा ग्राउंड पर बनी पिचेस पर भी बड़ा काम होने वाला है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस बात का है कि जब ग्राउंड की हालत ऐसी थी तो यहां पर क्रिकेट का मैच कराया क्यों गया। ये भी सवाल उठे हैं कि लखनऊ में हुई बदइंतजामी का जिम्मेदार कौन है। सबके बीच पिच क्यूरेटर को हटाकर कुछ और जिम्मेदारों पर कार्रवाई की बात कही जा रही है। लेकिन ये सोचने वाली बात है कि जिस ग्राउंड में आईपीएल के 8 मैच होने हैं, उस ग्राउंड में अगर इस तरह की हालत रहती तो कैसे यहाँ पर मैच कराया जा पाता। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस उत्तर प्रदेश के इस स्टेडियम को दुनिया का सबसे बेहतरीन स्टेडियम कहने की बात कही जाती है, उसके ग्राउंड पर इस तरह की हीला हवाली करने के बाद कुछ लोगों की कार्रवाई हुई है। लेकिन पहले ये सब इंतजाम क्यों नहीं किए गए, सरकार और यूपीसीए को इस पर सोचना होगा। नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की रिपोर्ट।